हेलो गाइस, बहुत दिनों के बाद ये ब्लॉग आ रहा है और आप लोग भी सोच रहे कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ अपडेट क्यों नहीं है। तो चलो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ अपने पिछले कुछ दिनों में लेके जाती हूँ, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हमने फेस की और वो सब कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। जैसा कि आप इस ब्लॉग में देख सकते हो कि मेरा बच्चा वैदेश हॉस्पिटलाइज्ड है, तो आपको रीज़न समझ में आ गया होगा कि ब्लॉग ना आने का रीज़न क्या था। तो ये है रीज़न हमारे अपडेट ना होने का। इसको डायरिया की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से हमें 14, 15, 16, 17, 18, 19 हम इतने दिनों तक हॉस्पिटल में ही थे। एंड 19 की रात को हम इसको डिस्चार्ज करा कर लेकर आए। तो ये आप डिस्चार्ज की वीडियोस देख सकते हो, ये कितना खुश था ये, क्योंकि 5-6 दिनों तक हॉस्पिटल में रहना एक बच्चे के लिए आप समझ सकते हो। एंड यहाँ पे हम घर आ गए हैं, बट ये स्टिल इरिटेटेड है, बिकॉज उसको फिर उसके बाद उसको चिकन पॉक्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, स्मॉल चिकन पॉक्स हो गया, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान था। आप मुल्तानी मिट्टी का लेप देख सकते हो, मैंने लगाया था कि ठंडा रहे। नीम के पत्ते से भी इसको सहला रहे थे और आसपास रख रहे थे। और 24 को हमारे देवर की इंगेजमेंट थी, तो मैं तो जा नहीं पाई, तो ये गए थे, ये निकले थे ये, क्योंकि वहाँ जाना भी बहुत ज़रूरी था। तो मैं और बाबू नहीं जा पाए, बिकॉज़ उसकी तबीयत डॉक्टर ने बिल्कुल ही मना किया था कि नहीं ट्रैवल करो। तो आगे की क्लिप में आपको ये दिखे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैमिली कॉर्नर पे, बहुत दिनों बाद। और अब हम जा रहे हैं आज घर देखे किसके साथ जा रहे हैं। हमारे साथ बजरंगी है, यासिर है, हम लोग गाड़ी से निकल चुके हैं। आप लोग सोच रहे होंगे चांदनी क्यों नहीं है और बाबू क्यों नहीं है। तो अभी बीच में बाबू की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, थोड़ा सा उसको फीवर और डायरिया, ये सब वोमिटिंग, लूज मोशंस उसको हो गए हैं। तो मैं अभी जा रहा हूँ घर, क्योंकि सानू की इंगेजमेंट है 24 को। तो हम लोग निकल गए हैं घर जाने के लिए और बाबू की तबीयत खराब है, इसलिए चांदनी साथ में नहीं आई है। पर अगर 2-3 दिन में बाबू की तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाती है तो शायद वो आए। इसी तरह प्लान हुआ है अभी, तो देखते हैं फिर आगे कैसे कैसे क्या चलता है। तबीयत ठीक होती है तो वो आएगी, नहीं ठीक होगी तो फिर मैं ही वहाँ पे अटेंड करूँगा और फिर वापस आ जाऊँगा। और इंगेजमेंट की प्रिपरेशन पूरी तरह से फुल ऑन चल रही है। मन तो किसी का नहीं लग रहा है घर पे, क्योंकि छोटा बच्चा, जो घर का पहला छोटा बच्चा है वो नहीं है, तो किसी को अच्छा तो लग नहीं रहा है। लेकिन फिर भी क्या करें, जो फंक्शन अरेंज है वो करना ही पड़ेगा। बाकी अभी चलते हैं, आपको आगे आगे दिखाते हैं कैसे हम लोग ट्रेवल करते हैं, क्या क्या होता है, और यासिर कैसे गाड़ी चलाता है, चलाते चलाते कैसे सो जाता है बीच बीच में, वो भी मैं दिखाते रहूंगा, और सोते सोते कैसे ये पहुंचा देगा वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो आइए ब्लॉग में एंजॉय करिए, बहुत दिन बाद ब्लॉग बन रहा है, क्योंकि फिर वही सब चीजें आ जाती है कि बहुत सारा काम है, ये है, वो है। तो खैर वो सब तो चलता रहेगा, वो सब बातें तो है ही, थोड़ा सा रेगुलर होने की कोशिश कर रहे हैं, रेगुलर होंगे धीरे धीरे। बाकी आइए एंजॉय करिए इस राइड को हमारे साथ। दोस्तों चलते चलते हम लोग आ गए हैं लखनऊ के पास, और गर्मी का सहारा कुल्फी हमारा, अब कुल्फी खा रहे हैं। और गर्मी का तो पूछिए ही मत भाई साहब, इतनी गर्मी है बाहर। रास्ते में 4 गाड़ियों का टायर फटा हमारे सामने, और बहुत ज़्यादा हीट है, और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि गाड़ी गर्म हो जा रही है, और इसीलिए हम लोग को रुकना पड़ा कि रुक जाते हैं, क्या पता हमारा भी टायर फट जाए। लेकिन हम लोग रुके, रेस्ट कर रहे हैं, और बजरंगी को लाए हैं कुल्फी देने। कैसा लग रहा है बजरंगी ट्रैवल करके? बजरंगी थोड़ा दुखी है, खुश नहीं है, इसको याद आ रही है वहाँ की। तो बजरंगी कुल्फी खिला के बजरंगी का मूड लाइट करेंगे और फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। अभी थोड़ा वॉशरूम फ्रेश फ्रेश हो लेते हैं कुल्फी खा के। बाकी भाई आप लोग को एक संदेह है, गर्मी में कहीं भी जाइए बाहर तो पूरा पानी वानी का जुगाड़ लेके जाइए, और लंबा ट्रैवल कर रहे हैं तो रुक रुक करिए, एक साथ ट्रैवल मत करिए। थोड़ा ज्ञान यासिर भी दे दे, यासिर कुछ ज्ञान।
अरे हम तो कह रहे निकलना ही नहीं चाहिए इतनी गर्मी में बाहर, घर में ही रहो मस्त रहो। सुमाया चलिए जर्नी एंजॉय करिए हमारे साथ। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग घर जाते जाते कहाँ आ गए, तो हम पहुंच गए लखनऊ। लखनऊ पहुंच के हम आ गए हैं लुल्लू मॉल में। तो आपने सुना होगा लुल्लू मॉल का नाम बहुत ही फेमस मॉल है जो लखनऊ में खुला है। तो अभी लुल्लू मॉल घूम रहे हैं, आपको भी पीछे दिख रहा होगा बड़ा मॉल है। तो अभी आइए आपको घुमाते हैं और लुल्लू मॉल दिखाते हैं, आप लोग भी देखिए और एंजॉय करिए लुल्लू मॉल को। नाम बहुत फनी साउंडिंग है लुल्लू मॉल। तो ये घर पहुंच चुके थे बट वहां पे कोई था नहीं क्योंकि सभी शादी में गए थे। तो अभी मैं कुछ वीडियोस क्लिप ऐड करती हूँ एंगेजमेंट की, तो आप लोग एंजॉय करो। वो यहाँ पे दूल्हे राजा रेडी हो गए हैं हाथों में अक्षत और कुछ मीठा लेकर, और यहाँ तिलक का फंक्शन पूरा हो चुका है। यहाँ पे शिखा के भाई और ये गले लग रहे हैं दोनों लोग, क्योंकि फंक्शन पूरा होने के बाद हमारे यहाँ किया जाता है ये। एंड अब यहाँ पे चुमावन का हो रहा है, ये मम्मी हैं क्योंकि ये भी एक रिचुअल्स है हमारे यहाँ, तो ये अब हो रहा है। ये मम्मी हैं और ये हैं बुआ जी आ गई, और ये दूसरी बुआ जी आ गई, और ऐसे करके ये हमारी सबसे छोटी क्यूटी बुआ है, सबसे छोटी बुआ है, और ये आ गई हमारी दुल्हन शिखा। और यहाँ पे ये अपनी फीलिंग बता, उसका भी बीपी बढ़ा हुआ लग रहा है। इनका तो पता नहीं बट इनका बीपी जरूर बढ़ा हुआ था, जो आप चेहरे पर भी देख सकते हो कि क्या हो रखा है। और ये है शिखा की प्रॉपर एंट्री की वीडियो। और अभी यहाँ पे गोद भराई का रस्म पूरा हो रहा है, मम्मी कुछ लेके गई थी वो पहना रही है। एंड जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हो वैसे ही मैंने भी सिर्फ और सिर्फ वीडियो में देखा है, और बहुत सारी चीज़ें तो अभी ब्लॉग एडिट करते टाइम पे ही मैं देख रही हूँ। और ये तो ये कर रहे हैं इंतजार, ये आगे शिखा का डांस जो कि आप लोग देख रहे हैं, और सारे लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और ये रही हमारी न्यू फैमिली मेंबर का डांस, तो आप लोग इंजॉय करो और हम ट्राई करते रहेंगे कि ऐसे ही हम आप लोगों के साथ टच में रहें और ब्लॉग आते रहें। पिछले कुछ दिनों के जो थे हमारे दिन वो यही हैं, बहुत सारी चीज़ें कुछ अच्छी कुछ बुरी सब कुछ चीज़ रही, और इसमें इंगेजमेंट जो मैंने मिस कर दिया। और आप भी इंजॉय करो, मैं भी वीडियो में इंजॉय करी हूँ, आप भी इंजॉय करो, ऐसे बने रहो हमारे साथ ऐसे।